हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट चैनल में अपलोड हो चुके हैं, इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज ये प्रीपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सो विदाउट फर्दर एडी लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे, यू ऑल डिलीवर्ड ऑल द पेपर्स ब्लैंक दिस वन, क्वेश्चंस आर बिटवीन बट, ये दोनों में से विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ बट है, क्योंकि बिटवीन हम दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है या दो पर्सन्स नहीं है, बट सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक इज ब्लैंक द स्कूल, ऑप्शंस आर अपोजिट आउट ऑफ। सो करेक्ट आंसर अपोजिट है, आउट ऑफ हम किसी मोशन को, ठीक है, कहीं से बाहर निकल रहा है और वो मोशन में है, वहाँ पर आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अपोजिट हम डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, अपोजिट का प्रयोग करते हैं, जैसे बैंक जो है स्कूल के अपोजिट में है, तो सो अपोजिट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक द डेंजर ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंटेन, ऑप्शंस डिस्पाइट एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर इज डिस्पाइट। डिस्पाइट प्रीपोजिशन जब हम किसी कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होता है, दो क्लॉजेस में से एक क्लॉज को जब हम फ्रेज बनाते हैं, वहाँ पर उस क्षण हम डिस्पाइट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैंक द डेंजर ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंटेन, ठीक है, ब्लैंक की जगह हमें डिस्पाइट प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज एंड क्लॉज इक्वल्स टू एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनता है। सो एक ग्रामर के रूल ही है, दैट इज़ वाई डिस्पाइट प्रीपोजिशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजर वॉज हिडन ब्लैंक द अर्थ अंडर अप टू, अंडर इज करेक्ट, अप टू यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, सो अंडर अर्थ के अंदर, सो अंडर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्स ब्लैंक बी इन द अल्फाबेट बिफोर बिहाइंड, करेक्ट आंसर इज बिफोर, क्योंकि बी के बिफोर क्या आता है, ए आता है, सो दैट इज वाई बिफोर इज करेक्ट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट टू वर्क ब्लैंक माई बैक आउट ऑफ विदाउट, सो करेक्ट आंसर विदाउट होता है। आउट ऑफ, जैसे मैंने बताया, कोई मोशन में कोई चीज़ है तो इस सेंस में हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे विदाउट करेक्ट प्रीपोजिशन है, बिना बैक के में वो काम पे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीटेड आइस चेंजेस ब्लैंक वाटर, ऑप्शंस आर इन इनटू, करेक्ट आंसर है इनटू, इन मींस अंदर और इनटू मींस कोई चीज़ मोशन में हो रहा हो, ठीक है, कोई चेंज हो रहा हो, एक फॉर्म में है कोई चीज़ सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है या वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसे सेंस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्चुरल एनिमल्स यूजुअली स्लीप ब्लैंक द डे ड्यूरिंग अंडरनीथ, अंडरनीथ हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी सरफेस पे टच किया हो, जैसे हमारी पैर के नीचे जो सोल है वहाँ पे मानकर चलिए आपका कोई च्युइंगम लग गया है, अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। ड्यूरिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायरल रैन ब्लैंक द वॉल, ऑप्शंस आर अलोंग अमोंग, अलोंग करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी हम किसी एक दूरी को तैयार करना होता है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ इधर जा रहा है, ऐसे एक दूरी ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे क्षण में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। अमोंग एक से अधिक लोगों के बीच में कोई भी चीज़ को बताना है, तो ऐसे केसेस में हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अलोंग हमें क्या सेंस दे रहा है, स्क्वायरल जो है वॉल में एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, रन कर रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन करेक्ट आंसर है। She made a speech blank the future of the school, options about around, around यहाँ पे इर्द गिर्द कोई सेंस नहीं दे रहा है, about के बारे में, future of the school के बारे में उसने speech दिया, speech बनाया, ठीक है, so obviously यहाँ पर about correct preposition है। Last question, D comes blank C and E in the alphabet, so options are between या beyond, so इसका आंसर मैं चाहूँगा आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए, और इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, और ये नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसका आंसर बताऊँगा आप लोगों को।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।